इतने बड़े नंबर्स में यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत दूर से ट्रेवल करके आए होंगे। मुझे लॉस एंजलिस 20-30 बरस के बाद आने का मौका मिला है और मुझे एहसास है कि एलए जो है इसके ह्यूज डिस्टेंसेस हैं। एंड इट ऑल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ द प्रोग्राम वी यूज्ड टू वॉच ऑन पीटीवी, चिप्स। आई थिंक पता नहीं आप में से किसी को याद है कि नहीं, कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस कॉन्ग्रीगेशन एंड सेमिनार, जिसमें कामरान साहब हैं, जिसमें मसूद साहब हैं, जिसमें डॉक्टर ताहिरा हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, डॉक्टर रजाक, डॉक्टर अदनान एंड ऑल अदर्स, जिनके मुझे नाम नहीं पता, उस्मान साहब। सो थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन। अच्छा, नो फ्यू पॉइंट्स ऑफ एडमिशन। मैं चूंकि सियासतदान नहीं हूँ और सियासतदानों में जिस किस्म का एक इमोशन होता है, उनके अंदर एक पैशन होता है, पॉलिटिक्स में लोग आते भी वही हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, तो वो पैशन इंस्पायर करते हैं। और पाकिस्तान में चूंकि उर्दू का हमारा जो तमाम बयानिया और नैरेटिव है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जोर जो है वो जुर्रत के ऊपर है, बहादुरी के ऊपर है, पैशन पे है, दलेरी के ऊपर है। तो मेरे में इस किस्म की कोई भी क्वालिटी जो है वो नहीं पाई जाती। ठीक, मेरा जो डिस्कोर्स आपके सामने होगा वो दो पॉइंट्स के ऊपर होगा, और वो ये है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और हमें अगर इसमें से निकलना है अब वो तो कैसे निकलने का तरीका है, और फिर जो कुछ हो रहा है क्या इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जात से है, क्या इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, आप लोग इसमें कहाँ फिट होते हैं, जो लोग अपने ती मेहनत करके जिन्होंने अपनी अपनी एक प्रोफेशनल शनाख्त बनाई है एक ऐसे मुल्क में जहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने उनको पर्ची दिलाई थी, किसी ने उनकी सिफारिश की थी, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, खा वो फिजिशियन हों, वो सर्जन हों, वो आईटी हों, वो एंटरप्रेन्योर हों, वो रियल एस्टेट का काम करते हों, तो आप लोगों ने अपने आप का जोर बाजू खुद से मनवाया है। तो आप क्यों इतने डिस्टर्ब हैं, और आप पाकिस्तान का जो तलातुम है, जो वहाँ की टर्बुलेंस है, उसमें आप कैसे जाके फिट हो गए? ये सम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जरूरी नहीं कि हर सवाल को मैं यहाँ एड्रेस कर सकूँ। कल रात को आई थिंक चीनो हिल्स वॉज द प्लेस जहाँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मेम्बर्स जो हैं यहाँ के, डॉक्टर रजाक के घर में एक डिनर था। डिनर में स्पीचेस भी थी, बाकी लोगों ने स्पीचेस की। मैंने लोगों से वहाँ पे जो थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये बताएं कि जो कल हमारी स्पीच होगी, मेरी स्पीच है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसमें किन इश्यूज़ को एड्रेस करूँ। तो उसमें जो चार पांच इश्यूज़ दोहराए तो 15-20 लोगों ने क्वेश्चंस, लेकिन उसमें से जो तीन चार थीम्स इमर्ज होती हैं, उसमें एक थीम ये थी कि इमरान खान को जेल से हम कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी ब्रिंग आउट इमरान खान। इमरान खान को जेल से कैसे निकालेंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी क्यों नहीं वो सब कुछ कर पा रही जो बहुत से लोग यहां पर डायस्पोरास में ये तवक्को करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप को करना चाहिए। तो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी है पीटीआई की लीडरशिप से, वो क्यों है वो भी मैं उसके ऊपर कुछ कॉमेंट्स कर सकता हूँ। फिर यह है कि अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स निकल आते हैं, हुकूमत सारी की सारी जो है उसको चैलेंज कर देते हैं और वहाँ पर वो एक तब्दीली ले आते हैं, तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं जो है हो रहा है। ठीक, और फिर ये कि हम जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोराज हैं अमेरिका के अंदर, हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की मदद करने के लिए। तो ये उसमें से उन 8-10-15 जो लोगों ने सबमिशंस की, ये उसमें से चार किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किए। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एड्रेस करूँ। इस वक्त मेरे हिसाब से इट्स 8:28, मुझे कहा गया था 30 मिनट्स में वाइंड अप करें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको 30 मिनट्स के अंदर अंदर 9 बजे से पहले ख़त्म करूँ। और हमारी ये भी कोशिश थी कि आफ्टर द स्पीचेस, आफ्टर दीज टॉक्स, आप लोगों के साथ एक Q&A हो, तो आप अपने क्वेश्चंस अपने पास रखिए ताकि वहां पर जो एक पैनल है वो आपके सवालात का जवाब दे सके। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जो टॉप टू बॉटम टॉक होती है, जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ कि मैं पेडेस्टल पे हूँ और आप लोग मेरे सामने हैं, ये एक लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन है एज कम्पेयर टू जो फेस टू फेस होती है, ये जो एक डायरेक्ट बायलैटरल कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक स्पेसिफिक सवाल जो है वो रेज किया जाता है। तो ये तो वो कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं पहला इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं।
कि इमरान खान की रिहाई किस तरह से मुमकिन होगी। इस क्वेश्चन से पहले एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका अक्सर लोग जवाब नहीं देते, मैंने देखा ही नहीं किसी को वो क्वेश्चन उठाते हुए, कि इमरान खान जेल में है क्यों? इमरान खान को जिन लोगों ने जेल में डाला है उनको इमरान खान को जेल में डालने का कतई तौर पर कोई शौक नहीं था। उन्होंने इमरान खान को जेल में डालने से पहले कई महीने पहले इमरान खान को बार 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 मैसेजेस भिजवाए और कम्युनिकेशन की। एक बड़ी मशहूर कम्युनिकेशन वो है जो व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई, जिसमें कहा गया कि भाई आप एक साल के लिए, दो साल के लिए बरतानिया चले जाएं, जमैमा के पास चले जाएं। मुझे याद है मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया था बड़े क्या क्या मारते हुए कि भाई वो तो शादी खत्म हो चुकी, अब जमैमा के पास कैसे चले जाए। पाकिस्तानी माइंड में है कि बीवी 20 साल से भी नहीं है बीवी, लेकिन उसके पास जाके आप रहना शुरू कर दें, वो उनकी अपनी थिंकिंग। लेकिन इमरान खान को जितनी भी ऑप्शन दी गई, फॉर इंस्टेंस इमरान खान के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ ऑन 2nd of November 2022, तो वो कोई मजाक नहीं था। और एक पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन पार्लेंस है, वो कहते हैं जी जो बंदा मरा नहीं वो कहते हैं उसको डराने के लिए गोलियां मारी। ठीक, कोई अगर हामिद मीर साहब को गोलियां लगी उनकी डेथ नहीं हुई फॉर्चुनेटली, वो कहते हैं वो डराने के लिए मारी हैं, अगर मारना होता तो मार डालते। लेकिन नहीं, इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वो डिसाइडेडली एक असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, और वो जो कातिल था वुड बी असैसिन था। अगर वहां पर एक पीटीआई का वर्कर, जिसका बदकिस्मती से मुझे भी नाम याद नहीं है, कुछ आपको बाकी सब नाम तो नहीं याद उस लड़के का जिसने छलांग, मौजम, राइट, तो जब उसने छलांग लगाई तो उसने उसका जो गन थी उसको तकरीबन 1.5 फुट नीचे कर दिया। अगर वो 1.5 फुट उसको नीचे ना करता तो वो स्ट्रेट ऊपर, यानी वो अदरवाइज जो मेटल की बैरिकेड थी उस पर जाके बुलेट्स लगी, अदरवाइज वो इमरान खान के ऊपर लगनी थी, छाती पे लगनी थी, चेहरे पे लगनी थी। तो दैट वाज अ क्लियर कट असैसिनेशन अटेम्प्ट। अब अगर इमरान खान उस तरह का होता, आज से 20-30 साल पहले किसी ने किताब लिखी थी अमेरिकन ऑथर ने, आई थिंक स्कॉट पैक उनका नाम था, रोड लेस ट्रेवल्ड, यानी इमरान खान हैज ऑलवेज ट्रेवल्ड अ रोड लेस ट्रेवल्ड। अगर इमरान खान की उस किस्म की थिंकिंग होती जिस तरह की थिंकिंग अक्सर पाकिस्तानी पॉलिटिकल इलीट की है, और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि भाई ये तो मुझे अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इरेडिकेट ही कर दें, कत्ल ही कर दें, तो वो स्ट्रेचर पे ही शौकत खानम हॉस्पिटल से नवाज शरीफ की तरह एक हेलीकॉप्टर में, उनके पास बहुत बेहतर ऑप्शन थी, ज्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन थी कि वो ब्रिटेन चले जाते हैं कि इसका अब यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा, ये फ्रैक्चर इस किस्म के हैं, और उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स को वहां से कंटिन्यू करते। बट इमरान खान ने कॉन्शियस डिसीजन ये लिया कि अगर मैं फील्ड छोड़ दूंगा, ये उनकी असम्पशन है, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान, नवाज शरीफ और बाकी पॉलिटिशियंस को एक लेवल पे नहीं देखता। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान ब्रिटेन चले भी जाते तो उनकी पॉलिटिक्स कमजोर नहीं होनी थी। ये और बात है कि 99.99% पाकिस्तानी जिनसे मेरी बात हुई है वो समझते हैं कि इमरान खान हैज टेकन द राइट स्टेप बाय होल्डिंग ऑन द फील्ड, कि वो वहीं पे ठहर गए। इमरान खान ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं फील्ड छोड़ूंगा नहीं, मैं यहां खड़ा होकर मुकाबला करूंगा और मैं इन्हें फोर्स करूंगा टू एक्सेप्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब फोर्स तो करूंगा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इमरान खान इज नॉट अ मिलिटेंट, इमरान खान इज नॉट अ जिहादी, इमरान खान डजंट हैव एन आर्मी, इमरान खान के पास कोई एमक्यूएम की तरह की मिलिट्री फोर्स नहीं है, उसके पास कोई टीटीपी नहीं है, उसके पास कोई टीएलपी नहीं है, इमरान खान के पास कोई जमीयत इस्लाम की तरह के गैंग्स नहीं है, इस्लामी जमीयत तुलबा का तरह फैक्शन भी नहीं है इमरान खान के पास। सो इमरान खान बैटल ग्राउंड वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। सो इमरान खान की इंसिस्टेंस ये है कि मैं एक सियासतदान हूं, मैं एक डेमोक्रेट हूं, मेरा काम यह है कि मैंने लाखों लोगों को इकट्ठा करना है, मैंने कम्युनिकेट करना है, मैंने उनको चारों सूबों में या 6 रीजन्स जो हैं पाकिस्तान के, मैंने उनको एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा कर दिया है और आपको मुझसे नेगोशिएट करने की जरूरत है। सो इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स की असम्पशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ढांचा एग्जिस्ट करता है, जैसा कि अमरीका के अंदर करता है। अगर अमरीका के अंदर ये ढांचा एग्जिस्ट ना करता हो तो आप लोग सब जाके ज़ायनिस्ट लॉबी की मौजूदगी में सड़कों पर जाके फलस्तीनी यहां मुजाहरे ना करें, सारों को वो मार डालें, सारों को जेल में डाल दें, दोबारा कोई नजर ही ना आए अगर पाकिस्तान वाली सूरत हाल हो। तो इमरान खान की भी प्रीसपोजिशन वो है जो आपकी प्रीसपोजिशन है कि हम अमरीका में बैठ के अमेरिकन इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो प्रोफेसर जेफरी सैक की असम्पशन है, या और जितने अमेरिकन एकेडेमिक्स हैं जो दिन रात हर अपने इंटरव्यू के अंदर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में क्रिटिसाइज करते हैं और लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि असम्पशन ये है कि हमें ये करने की इजाजत है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रीडम के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं। सो इमरान खान की भी असम्पशन थी यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क है, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मैं खेल रहा हूं, मैं उसके अंदर। और यही है कि उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो तोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तोड़ दी, बिकॉज उन्होंने कहा कि विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क
जहां कॉन्स्टिट्यूशन के कहता है कि जब असेंबलियां टूटेंगी तो आपको 90 दिन के अंदर इंतखाबात कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरी साइड से क्या हुआ, दूसरी साइड जो चाहती थी कि इमरान खान चला जाए कम अज कम 2 साल के लिए, ताकि हमने पोलिटिकल फील्ड को मैनेज कर रखे, जो भी अपने अहदाफ हासिल करने हैं जो 100% हमें क्लियर भी नहीं है। अगर आप सब भी लोगों को सुने, मैंने सब लोगों को सुना है जो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तानी कमेंटेटर में, कम अज कम मीडिया में बिल्कुल नहीं है, कि ये जो प्रेजेंट रजीम है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम है, इनके एक्चुअल स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं क्या, ये क्या चीज जो है अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए उनको वक्त चाहिए, ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अभी वो नरेंद्र मोदी को डेस्परेटली बुलाना चाह रहे हैं, जो इसका SCO का जो समिट है, हेड ऑफ दी गवर्नमेंट्स का, तो ये क्या करना चाहते हैं, ये कहां जाना चाहते हैं, कहां ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान जो है इनके रास्ते में रुकावट। सो एक साइड चाहती है और चाहती थी कि इमरान खान फील्ड खाली कर दे ताकि वो पॉलिटिक्स को मैनेज कर लें, दूसरी साइड ने कहा कि नहीं, मैं फील्ड खाली नहीं करूंगा, मैं यहां पर स्ट्रगल करूंगा। एंड दैट वाज व्हाई इन द एंड उन्होंने 2-3 चीजें की। उनको ये अंदाजा हो गया कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे 2023 के अक्टूबर में, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कन्वेंशन, वो तो होने ही थे, कोई तरीका नहीं था अगर, तो उस इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए और इमरान खान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने May 9th किया। ठीक, अब अनफॉर्चुनेटली जब May 9th हुआ तो PTI की अपनी जो लीडरशिप थी उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कम अज कम अगले 48 या 72 घंटों तक ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि हुआ क्या। उनमें से मैंने बहुत से लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को एक सेंस ऑफ गिल्ट में देखा कि हाँ दरअसल हम इधर चले गए मुजाहरा करने, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा प्लान था प्रोटेस्ट करने के लिए कि GHQ पे चले जाएंगे, कोर कमांडर्स के घर के बाहर चले जाएंगे। ऑफकोर्स इंटेलिजेंस को पता था कि उनके ये प्लान्स हैं, और नोइंग फुली वेल कि उनके ये प्लान्स हैं, उन्होंने उनके उन प्लान्स को ट्रिगर किया विद देयर काउंटर प्लान्स, ताकि वो PTI को, इमरान खान की पार्टी को डीलेजिटिमाइज करें, बिकॉज उनके पास कोई और तरीका नहीं था। देवर कन्फ्रॉन्टेड बाय अ पॉलिटिशियन जो कहता था कि मैं मिलिटेंट नहीं हूं, फौज मेरी है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपने चलना है एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी साइड जो थी उसको इमरान खान ने मजबूर कर दिया कि वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हर बैरियर को उन्होंने क्रॉस किया, नोइंग फुली वेल कि इजिप्ट में रवा का जो मैसेकर है, जहां पर ऑफिशियल फिगर मेरा ख्याल इजिप्शियन गवर्नमेंट का है कि 700 लोग एक दिन में उन्होंने कत्ल किए, और ये लोग बैठे हुए थे, ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई हमला आवर थे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर, ये तो सड़कों पे बैठे हुए थे पब्लिक स्क्वायर में, और उन्होंने इनको हटने का कहा, वो नहीं हटे, उन्होंने मैसेकर कर दिया उनका। लेकिन जो प्राइवेट एजाब शुमार हैं इजिप्शियन ऑपोजिशन के, वो कहते हैं कि 3,000 से 7,000 लोगों को एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर जो है इजिप्शियन मिलिट्री ने उनका कत्लेआम किया। मैं अक्सर ये स्पीचे सुनता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, और मैं वीलॉग्स में भी बहुत ज़्यादा सुनता हूँ जिसमें बहादुरी, जुर्रत, दलेरी मुसलसल एम्फसाइज की जाती है, मैं हर वक्त ही सुनता है। अगर दलेरी ही हर पॉलिटिकल मसले का हल होती है तो 40,000 लोगों का जो कत्ल आम ज़ायनिस्ट ने किया है गाज़ा में, और पूरी दुनिया खड़ी उसको देख रही है, अगर खून देने से, कुर्बानी देने से, खड़े रहने से, बहादुरी से ही सॉल्यूशंस निकल आते होते तो फिर गाज़ा का सॉल्यूशन कोई ना कोई अभी आपके सामने निकल आया होता, लेकिन नहीं निकला। सो यस, दलेरी का अपना एक मुकाम ज़रूर है, लेकिन रैशनैलिटी जो है, प्रैग्मैटिज्म जो है, वो मैटर करती है। अगर बहादुरी मैटर करती होती, इजिप्शियन ऑपोजिशन जो थी, जो इस्लामिस्ट थे, मुर्सी के जो फॉलोअर्स थे, जिन्होंने 63% से इन दो पार्टीज ने इलेक्शन जीता हुआ था, उनसे एक कूप डेटा करके एक ज़बरदस्ती उनसे हुकूमत छीनी गई, अगर उनका पोलिटिकल राइट मैटर करता होता तो फिर उनका कत्ल आम नहीं हो सकता। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़राए ब्लॉक की थिंकिंग है, तो फिर इस कत्ले आम के बाद तो फिर इसे कहते हैं रेट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए थी, फिर 10-12 साल से तो जनरल सिसी की हुकूमत को वहाँ नहीं बैठना चाहिए था। सो मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो एक पॉइंट है जिसको इफ यू कैन टेक होम इज कि इट इज़ नॉट ओनली द करेज और द ब्रेवरी और द वैलियंस, यदि हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे, इससे कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलते। सोल्यूशन निकलने के लिए आपको तदबीर भी चाहिए, प्रैग्मैटिज्म भी चाहिए, और जनरली स्पीकिंग उसकी खासी कमी रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं रही है। अभी मैं चंद मिनट्स में उसकी तरफ आने की मैं जो है वो कोशिश करता हूँ। दूसरा जो गोल था रजीम का, वो गोल ये था कि वो चाहते थे कि इलेक्शन वो कैसे वक्त में करवाएं
जब उनकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डोमिनेशन हो जाए। हमारी ऐसी ब्रीफिंग्स होती रही, ऐसी बातचीत भी होती रही पाकिस्तान के इदारे के लोगों के साथ। वो उमर अता बंदयाल, इजाज़ुल अहसन, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, मुनीब अख्तर, इन तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस थे जब उमर अता बंदयाल थे, ये इनसे बड़े नाला थे। वो ये समझते थे कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो उमर अता बंदयाल की कोर्ट नहीं होने देती। एक ऐसी मेरी पॉइंटेड डिस्कशन भी हुई कि मैंने कहा इसी कोर्ट से तो आपने इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल को ख़त्म करवाई थी, तो अब आपको क्यों लगता है? उसका जवाब ये था कि उस वक्त ये हमारे कंट्रोल में थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इमरान खान कितना पॉपुलर है, उसने जो अपने जलसे किए, इन अदर वर्ड्स इमरान खान उमर अता बंदयाल कोर्ट जो थी उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही थी। दैट इज वाई वो काजी फायज ईसा कोर्ट की तरफ जाना चाहते थे बिफोर दे कुड होल्ड द इलेक्शन। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब को खतरा महसूस होता था, और जब तक काजी फायज ईसा साहब नहीं बने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस नहीं आए। तो ये मैंने एक आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दी है। तो इमरान खान अच्छा, अब जब आप क्वेश्चन उठाते हैं कि इमरान खान जेल से कैसे आएंगे, तो आपको ये देखना है कि जिन सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस में इमरान खान जेल में हैं, जब तक उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं होती, उतनी देर तक तो इमरान खान जेल से नहीं आ सकते। दिस इज ओनली लॉजिकल, एम आई क्लियर ऑन दिस लॉजिकल पॉइंट? कोई चांस ही नहीं है, देयर इज नो चांस अनलेस। अब वो क्वालिटेटिव चेंज है वो किस तरह से आएगी? एक उसका फिल्मी किस्म का सीन है जिसको ड्रीम सीन है लोगों का, वो ये है कि 22 अगस्त को जो जलसा होगा जो कैंसिल करा दिया गया, या जो 8 सितंबर को जलसा होगा, उसमें एक बहुत बड़ा बिखरा हुआ क्राउड जो है वो तरनोल में कई लाख रुपये लाख लोगों का ठाठे मारता हुआ एक क्राउड हो, जो एक तरफ से पंजाब से आए, एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से आए, और उसके बाद वो अडियाला जेल की तरफ चलना शुरू कर दे, और वो अडियाला जेल के बाहर आकर कहे कि इमरान खान को रिहा करो, और यूं इमरान खान की रिहाई हुकूमत मजबूर हो जाए। इन अदर वर्ड्स बांग्लादेश मॉडल। ठीक, अब ये ठीक है, ये है बड़ा रोमांटिसाइज वर्जन है, फिल्म की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ नहीं है, ये एक अदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत 2009 से 2024 तक जुल्म व सितम के पहाड़ ढा रही थी, पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबार डॉन और ट्रिब्यून बांग्लादेश की हुकूमत की इकोनॉमिक कामयाबियों के ऊपर रोज अपने आर्टिकल लिख रहे थे, पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम्स में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो लोग बोलना चाहते थे वो कहते थे देखें जी बांग्लादेश में चूंकि फौज कंट्रोल में आ गई है, इसकी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। असल हकीकत ये थी कि बांग्लादेश को इंडिया चला रहा था, तो द वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म एंड होल्ड, और सारा का सारा जो मैनेजमेंट कंट्रोल था के पीछे ताकत खड़ी थी शेख हसीना के पीछे वो हिंदुस्तान की थी। और 2009 से 2024 के दरमियान में शेख हसीना इंटेलिजेंस ने अलॉन्ग विद बांग्लादेश आर्मी सिक्योरिटी अपरेशन पुलिस हजारों लोगों का कत्लेआम किया। 2-3 दफा तो बड़े मैसिव मुजाहरे हुए, जमात इस्लामी को कलदम करा दिया, और उन्होंने 100 के करीब लोगों को फांसी दी। जब 5 जमात इस्लामी के की लीडर्स को बांग्लादेश में फांसी दी गई तो लोग सड़कों पर निकल आए, बहुत मुजाहरे हुए। सिर्फ चंद दिनों के मुजाहरों में मुझे याद है 200 से ज्यादा जमात इस्लामी के कारकुन और लोग जो हैं वो उस वक्त हलाक हुए। उसके बाद भी मुजाहरे होते रहे। उसके अलावा उनके पास एक सीक्रेट सर्विस थी जो लोगों को उठा लेती थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान ही की तरह बहुत बड़ी तादाद में मिसिंग पर्सन हुई थे। सो जो लावा फटा उनका जाके जून 2024 में, वो लावा 15 साल से पक रहा था। लेट्स बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं चला तो ये हमारा कसूर है, ये हमारे ज़राए का कसूर है, बिकॉज हम ऐसे ही एक जज्बाती किस्म उनका जब फटा इसलिए कि वहाँ एक नई जनरेशन पैदा हो गई जो 1995 के या 1990s के बाद पैदा हुई है, जिसको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। उसके दरमियान में जब कोटे का मसला आया, इकोनॉमी कोविड के बाद ठीक परफॉर्म नहीं कर रही उतनी अच्छी तरह से जितनी पहले परफॉर्म कर रही थी, और तो जब वो लावा फटा तो वो यूथ का एक लावा फटा, वो किसी पोलिटिकल पार्टी और लीडरशिप का लावा नहीं फटा, वो दर हकीकत बांग्लादेश की यंगर जनरेशन का लावा फटा। और अभी भी द जूरी इज आउट, बिकॉज हिंदुस्तान खड़ा है अवामी लीग के साथ, और दूसरी तरफ से ताकतें खड़ी हैं बीएनपी के साथ जो
खालिदा जिया की गवर्नमेंट है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट ने जो पॉलिटिकल चेंज लाई है उसको वन और दी अदर पॉलिटिकल पार्टी हाईजैक कर ले। सो इसको भी माइंड में रखें कि यस जब लोग बांग्लादेश मॉडल की बात करते हैं उसके पीछे क्या हुआ वो भी नहीं पता, उसके आगे क्या होना है उसके बारे में भी ठीक तरह से नहीं पता कि उनको अवाम को बांग्लादेश के उसके रिजल्ट मिल भी सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे। पाकिस्तान में अभी वो सूरत हाल है ही नहीं, यानी अब अगर असम्पशन ये है कि क्राउड जाता है और इमरान खान को जबरदस्ती बजौर शमशीर वहां से रिहा कर लेता है, इसका मतलब है कि फिर सारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब है कि पीडीएम की गवर्नमेंट कलैप्स कर जाएगी, इसका मतलब है कि मिलिट्री की टॉप लीडरशिप के अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी, इंटेलिजेंस में आ जाएंगी। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, जहां पर इंटेलिजेंस के चीफ को पकड़ लिया गया है, जहां पर जजेस को सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को चेंज कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज के चांसलर चेंज हो गए। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा हमें पैल्पेबल चीज नजर नहीं आती। सो देन व्हाट कैन रियलिस्टिक ऑप्शन क्या है कि पाकिस्तान में क्या चीज हो सकती है? पाकिस्तान में जो चीज हो रही है उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। एक ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अदालती जो एक यानी उसका रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि जो कोर्ट्स की स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। अच्छा एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आपने एहसास ना किया हो, जहां इमरान खान के ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए गए हैं वहां इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कोई 500 पिटिशंस भी डाले फाइट करने के लिए। ये पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख की सबसे बड़ी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटल है जिसमें हर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट को इमरान खान के वकला ने चैलेंज किया है। हर केस में इद्दत का केस हो, साइफर का केस हो, दहशतगर्दी का केस हो, मे 9th का केस हो, जलसा ना करने का केस हो, हर जगह इमरान खान की अप्रोच क्या है कि दे नॉक द डोर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स, दे नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्रिएटिंग अ चैलेंज फॉर द अदर साइड कि उन्होंने इसको कैसे मैनेज करना है। तो एक तो यह है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है कोर्ट्स के थ्रू, जिसमें खासी प्रोग्रेस हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहबान ने जब खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये बहुत बड़ा वॉटरशेड इवेंट था पाकिस्तान की जुडिशियल लीगल हिस्ट्री का। और उसके बाद बाकी भी फिर जो इस लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो ATCs हैं, उनको भी हिम्मत हुई कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो डिफाइंस कर सकते हैं तो फिर हमें भी थोड़ी सी हिम्मत जो है वो करनी चाहिए। एक तो ये रास्ता है, फिर और ये कि उसके बाद रैलीज हों, जलसे हों, जैसे 8 सितंबर का जलसा बहुत कामयाब होता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक डिमांड्स करते हैं, ये तमाम चीजें लीगल प्रोसेस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करती हैं, ये दबाव डालती हैं रिजीम के ऊपर, उन्हें मजबूर करती हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिट्रीट करें। और इसका नतीजा ये निकल सकता है कि 2024 के इलेक्शंस, मैं नहीं कह रहा कि डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन खास करके अगर काजी फैज ईसा साहब चले जाते हैं, जो भी खासा लग रहा है कि उनका जाना जो है वो ठहर गया है, और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं, जो बाय द वे इस वक्त मंसूर अली शाह साहब इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, अगर अभी पहुंचे नहीं है तो पहुंच रहे हैं, ही स्पीकिंग एट येल यूनिवर्सिटी, ही विल स्पीक एट अदर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, और पाकिस्तानी अमेरिकन को वहां पहुंचना चाहिए जहां जहां हैं और उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या हो रहा है, इससे एक प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है कोर्ट्स का, रैलीज का, जलसों का, ये पाकिस्तान की प्रेजेंट रजीम को, शरीफ जरदारी आसिम रजीम को स्टेप बाय स्टेप रिट्रीट के ऊपर मजबूर कर सकता है। इससे जबरदस्त खूबसूरत बात हो नहीं सकती, ये हो नहीं रही, ये हुई नहीं है, बिकॉज अगली साइड अभी तक ये ठीक तरह से, क्योंकि अगली साइड ये सोच रही है कि हम इमरान खान को जेल में रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सप्रेस करके, कंट्रोल करके और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करके हम मजीद 1-2 साल जो है वो निकाल लेंगे, उनकी थिंकिंग ये लगती है। इस थिंकिंग में उनकी ये भी थिंकिंग है, अभी आप देखें कि पिछले पूरे हफ्ते से बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कम अज कम कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो SCO का समिट अटेंड करने आ जाए। तो बहुत कम लोग पाकिस्तान के इसको गौर से देख रहे हैं कि ये है क्या। मैंने इसके ऊपर 2 वीलॉग किए, उसको देखता कोई नहीं, उसको वो सब लोग देखना चाहते हैं कि हमें बताएं कि दीना में, जेलम में, सुहावा में बहुत बड़ा एक जलसा निकला था, वहां इतनी पिटाई हुई, इतने लोग गिरफ्तार हो गए, दे मोर इंटरेस्टेड इन दिस कि किस किस्म के नारे लगे। लेकिन यहां पे गेम ये है, अगर PDM2 हिंदुस्तान को मीनिंगफुल तौर पर एंगेज करते नजर आती है, अगर इंडिया का फॉरन मिनिस्टर एक अच्छे ऑप्टिक्स के डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद में आता है, 2-3 TV के इंटरव्यू देता है, पॉजिटिव ऑप्टिक्स बन जाते हैं, तो PDM को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, बिकॉज दे विल पुट दिस
एज एन अचीवमेंट इन वॉशिंगटन, इन लंदन एंड इन ब्रसल्स, कि देखें हमने हिंदुस्तान को मीनिंगफुल तौर पर एंगेज कर लिया है, जो दर हकीकत वेस्ट के इंस्टीट्यूशंस की प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को अपने अंदर स्पेस दे, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है चाइना के वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जहां पर चीन को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। ईस्ट पे चीन को एक पूरे सिस्टम ऑफ स्टेट्स के जरिए वेस्ट ने कंटेन किया हुआ है। अगर पाकिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस होती है तो चीन की ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान से रिड्यूस हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक गोल है। ये चाहते हैं, इंडिया इनको एंगेज कर नहीं रहा, बट ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसको भी आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक, कि ये उनकी गोल है। अब इसमें आ जाते हैं कि क्या 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स वापस मिलते हैं? मेरी इलेक्शन एक्सपर्ट से जो बात होती है उनका ख्याल है कि नए इलेक्शन का जो मुतालबा है ये तो दर हकीकत GHQ चाहता है कि PTI ये मुतालबा करे नए इलेक्शन का, जो कई PTI के लीडर्स और महमूद खान अचकज़ई ने किए हैं, मतलब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, बिकॉज नए इलेक्शन को वो बड़ी आसानी से एक नए तरीके से मैनेज कर लेंगे। पिछला इलेक्शन उनके गले में फंसा हुआ है। सो जो बहुत अच्छे वकील हैं और जो बहुत अच्छे इलेक्शन के ऑब्जर्वर एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये ख्याल है कि जो 2024 का इलेक्शन है उसी इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर फाइट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वहां से ज्यादा बेहतर एक रास्ता जो है वो डिफाइन हो सकता है। अब मैं आ जाता हूं उस आखिरी चीज के ऊपर कि वेयर द पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा फिट्स हैं। अच्छा देखिए, कोई डायस्पोरा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, नॉट नेशन स्टेट बट द नेशन, और कोई और डायस्पोरा इतना वेल प्लेस नहीं है, बिकॉज जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आए वो बाय एंड लार्ज प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के साथ आए, वो बहुत बड़ी तादाद में फिजिशियंस थे, वो इंजीनियर्स थे, IT एक्सपर्ट थे, उन्होंने MBA किया हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के थे, वो आए भी एक इगैलिटेरियन माशरे के अंदर, एक ऐसा माशरा जो आपको इजाजत देता था कि आप अपनी मेहनत से ऊपर जा सकते हैं। England is not like that. Australia is not like that. New Zealand is not like that. Europe is not like that. वो खासी different किस्म की उनके social stratification या structure. तो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा में बहुत कुछ अचीव किया है। फॉर इंस्टेंस जो डोनाल्ड लू की हेयरिंग थी जो हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने हुई, ये पहली दफा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक स्टेट डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल को उसको एक उन्होंने मैट पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद जो HR 901 था जिसमें 368-7 वोट पड़ा, ये तो मुझे अभी मैंने एक रिपब्लिकन लॉबिस्ट का इंटरव्यू किया था चंद हफ्ते पहले, तो उसने कहा कि हमारी इतनी पोलराइजेशन है कि किसी भी इशू पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स इकट्ठे नहीं होते, तो इस इशू पे इकट्ठे होने का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। देर आर समथिंग लाइक 40,000 कंग्रेशनल स्टाफर्स, हर कांग्रेसमैन जो हाउस मेंबर हाउस है और सेनेटर है उसके पास तकरीबन 100-120 कांग्रेशनल स्टाफर होते हैं पेड बाय द US टैक्स पेयर, और जो डिसीजन उन्होंने उस वक्त किया वोट का, that was basically the sum total of the summary jo unke samne unke congressional staffers ne rakhi, so that was a huge success on the part of the Pakistani American diaspora ki unhone unhone American Congress ko ek haqeeqat manne par unhone majboor kar diya, ye ek bahut important achievement thi, is achievement ko yaad rakhne ki zarurat hai jab aage political struggle hum karte hain। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को गुज़िश्ता 50 बरस में 40 बरस में 1960-70 से अपने नैरो मकासद में इस्तेमाल किया। हमें F-16 के पार्ट्स नहीं मिल रहे, हमारे F-16 रुक गए हैं, कश्मीर के ऊपर हमने फलां रेजोल्यूशन पास करना है, वो तमाम चीज़ें जिनका पाकिस्तानी कौम की जिंदगी और मुस्तकबिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जो बहुत लिमिटेड चीज़ें थी, खर्चा किया पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने, कांग्रेसमैन सेनेटर को अपने घर बुलाया, उनकी फंड डोनेशन की, अपना खर्चा किया, हजारों डॉलर लगा दिए, और फायदा किनको पहुंचाया? डिप्लोमेट्स ने अपनी रिपोर्टें लिखी, जो एम्बेसडर काउंसिल जनरल थे जो हैं उन्होंने लिखा जनाब कि मैंने फलां चीज के लिए डिनर करवा दिया कांग्रेसमैन का सेनेटर का, तो बेसिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। अब हमें इतना शऊर पहली दफा पैदा हुआ है कि हमें पता चला कि ये सारे डिप्लोमेट्स बेचारे तो शरीफ सरदारी आसिम रजीम के नुमाइंदे हैं, इनकी तो कोई रियासत की अपनी हैसियत ही नहीं है। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने गुज़िश्ता 2 बरस में एक बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल जर्नी जो है वो उन्होंने उन्होंने कवर किया, उन्होंने ट्रैवल किया, और ये इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का
उन्हें एहसास जो है वो हो गया। अच्छा, अब नंबर्स पे ना जाएं, ठीक है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मिलियन से छोटी है, लेकिन एफ्रो अमेरिकन जो ब्लैक्स हैं वो तो 50 मिलियन है अमेरिका की 320 मिलियन की आबादी में से। उनका इतना वजन नहीं है जितना 4 मिलियन हिंदुस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जितना ज्यादा असर 4 मिलियन इंडियन कम्युनिटी डालती है, ये 6-7 मिलियन की जो ज्यूविश कम्युनिटी डालती है, वो 50 मिलियन ब्लैक्स जो हैं उनका उस किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है। सो नंबर्स नहीं खाली मैटर करते, इट्स द अंडरस्टैंडिंग। सो जितनी ज्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, ये इलेक्शन ईयर है, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, वो मेंबर्स ऑफ द हाउस पोटेंशियल हैं, जितना आप उस पर खाली यानी ये खाली पैसे देने की बात नहीं है, ये इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरेस्ट लेने की भी बात है कि आप उनके इश्यूज के साथ आइडेंटिफाई कर सकें और आपको पता चले कि किसका इशू होमोसेक्सुअलिटी है, किसका इशू गे लेस्बियन है, किसका इशू इमिग्रेशन है, कौन इमिग्रेशन के खिलाफ है, किसकी स्कूल्स पे क्या पोजीशन है, किसकी राइफल्स पे गन एसोसिएशन पे क्या पोजीशन है, और आप उस तरह से उनके साथ जो है वो अलाइन कर सकें। तो जितना ज्यादा प्रेशर आप यहां से डाल सकेंगे और आज फॉर इंस्टेंस ये जो हम यहां पे कर रहे हैं, ये जो कॉन्ग्रीगेशन कर रहे हैं, अगर ये कॉन्ग्रीगेशन हम एक यूनिवर्सिटी में कर पाते और यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर देते, हम इसको ओवरटली पॉलिटिकल ना रखते, हम इसको यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के एम्बिट में कर लेते, हम इसको मुस्लिम वर्सेस मेनस्ट्रीम एम्बिट में कर लेते, हम इसको यूएस फॉरेन पॉलिसी इंपैक्ट ऑन साउथ एशिया पे कर लेते, जब हम उसका एम्बिट वो रखते एक आध फैकल्टी मेंबर को करते, उसका फिर इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा होता, बिकॉज यहां हम खुद ही सारे इकट्ठे होकर आपसी की बात कर रहे हैं। तो यस, पाकिस्तान के अंदर होने वाला स्ट्रीट का पॉलिटिकल प्रेशर, लीगल प्रोसेस कंटिन्यूइंग, खड़े रहना, कई दफा आपको सिर्फ फतह इसलिए भी मिल जाती है कि आप सरेंडर नहीं करते। इनफैक्ट ज्यादातर जो हिस्ट्री में, सिर्फ 5 से भी पहले खत्म कर दूं, सो कई दफा आपको सक्सेस इसलिए भी मिल जाती है कि आप खड़े रहते हैं, आप इसे कहते हैं सरेंडर नहीं करते, आप कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, आप सिर्फ ये कहते हैं बॉक्सर का जैसे है कि जो सबसे ज्यादा मार खाता है रिंग में लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है, वो इन द एंड जीत जाता है। सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट इमरान खान इज डूइंग। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को खुद भी कोई बहुत ज्यादा जल्दी है बाहर निकलने की, बाहर बहुत ज्यादा लोगों को है, क्योंकि आप दूसरी चीज इमेजिन कर ले, फिर मैं बात खत्म कर देता हूँ। जस्ट इमेजिन कि अभी वो सुबह फैसला कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है इमरान खान को छोड़ देते हैं, और इमरान खान को कहते हैं कि ठीक है आपको देते हैं गवर्नमेंट, आप इसे कहते हैं IMF के साथ डील करें, IMF कह रही है कि $2 बिलियन भी पहले लाएंगे फिर $7 बिलियन मिलेंगे, वो भी डील करें, उसके बाद जो वो ट्रेडर्स के साथ डील कर रहा है कि ट्रेडर्स को आप लेकर आए टैक्स के नेट के अंदर, उनसे दें पैसे, वो भी आप डील करें, फॉरेन पॉलिसी को भी डील करें, इंडिया को भी डील करें, सब चीजों को डील करें, तो भी एक बहुत बड़ा नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो जब तक चीजें एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगी और डायरेक्शन में जा रही हैं, और जितनी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, नारेबाजी से नहीं जाएंगी चीजें, जाएंगी अंडरस्टैंडिंग से, तदबीर से, सोच समझ से, अंडरस्टैंडिंग से, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द प्लैनेट अर्थ। इसके अंदर जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी यहाँ की एकेडेमिया से, यहाँ की मीडिया से, यहाँ की पॉलिटिकल क्लास से, उतना ही हमारे लिए यहाँ भी बेहतर है, उतना ही हम पाकिस्तान के कॉज को भी सर्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बैठने कहाँ बैठे, यहाँ पे अपना ही प्रोग्राम बनाया हुआ है।